पुलिस वाले एक गज का 1000 रुपए करके लिया, तब बनाने दिया। रमेश भिदुरी का सारा रिश्तेदार है, आज रमेश भिदुरी कहाँ चला गया? वोट लेने तो गली गली में घूमते थे कि हमें वोट दो वोट दो। मतलब अभी भीड़ नहीं लगा रहे हम, बात कर रहे हैं, आए हैं बात कर रहे हैं। आप मुझे ये बता दीजिए और कितने घरों पे बुलडोजर चलना है? अभी नहीं पता है। तो आप इनको हटा के रहे, हम बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? बात करने चलो, आगे चलो, आगे चलो, चलिए आप आगे। कई बीजेपी के नेता ऐसे हैं जिनके घर अभी अवैध जगह पड़े हैं, उनके भी टूटेंगे क्या? बात कीजिए, कौन से बात जी, बात ही तो कर रहे हैं। चलो चलो चलिए, आप लोग सुनो, आप मुझे मैडम आप उनसे बात बात कर रहे हैं, आप इन्हें हटाइए। चलो इस बार आएगा ना वोट लेने, चप्पल से जाते गली गली में वोट मांगने आ जाते हैं। हम क्या बोलेंगे, घर तो चला गया अब रहने से। अब आप लोग आके क्या कर रहे हो? आप लोग क्यों है? बस कोई बात बोल सकते हैं, अवैध जगह पे घर बनवाएंगे तो वो टूटेगा। कैसे हुआ? आर्कियोलॉजी वालों ने पैसा लिया, पुलिस वालों ने पैसा लिया, अवैध कैसा हुआ? जब बनने दिया तभी तो बना है, जब बनने नहीं देता अब तो टूट गया। नेता लोगों ने भी पैसा खाया, पुलिस वाला पैसा खाया, सब ने पैसा किया, डीलरों ने भी पैसा खाया, डीलर को भी पैसे दिया हम लोगों ने। भाई ये फ्री में नहीं बैठे हैं, मेहनत करके पैसा जोड़ के बैठे तो पता लग होती जब फ्री में बैठा है। आज कहाँ गया रमेश भिदुरी का साला भतीजा चाचा सब तो यही लोग हैं। अगर रमेश भिदुरी का यहाँ का नेता है, उन्हीं की आर पे तो सब बिका है, उन्हीं का तो रिश्तेदार ने बेचा है, उनको तो सब पता है। अब दिख रहा है जब लोग सड़कों पर आ गए तब दिख रहा है सरकार को, ये सरकार की जगह है। अब कहाँ गई सरकार, तब कहाँ गई थी, अब आ गई सरकार। सरकार बस हमारी जमीन दे दे कि हम लोग यहाँ पे चाहे झुग्गी डाल के रहे चाहे झोपड़ी डाल के रहे, लेकिन हम लोग यहाँ पे अपना मड़ई में ही रहेंगे। हम सांसद भी इनकी मदद करने को तैयार नहीं है, उन्होंने भी हाथ जोड़ लिए कि हमसे कुछ नहीं होगा, आपको जो करना है खुद करें। तो सटीक खबरों का सीधा असर आप देख रहे हैं NCR समाचार। यहाँ आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा तादाद में सुरक्षा कर्मी मौजूद है, जगह जगह आपको दिखाऊं मैं चारों तरफ, मैं चाहूंगी कि कैमरा आपको दिखाए कि कितने ज्यादा तादाद में यहाँ पर सुरक्षा कर्मी मौजूद है, कितनी सारी पुलिस की गाड़ियां यहाँ पर मौजूद है। और ये सब यहाँ पर सिर्फ इसलिए है ताकि अगर तोड़फोड़ के दौरान कोई हिंसा करने की कोशिश करे, विरोध करे, तो उस पर नियंत्रण ला सके और उन्हें रोक सके। क्योंकि आपको बता दें कि किले के अंदर कई अवैध झुग्गी झोपड़ियां भी बना ली गई हैं और बीते दिन भी हजारों घरों को तोड़ दिया गया, तो आज फिर ये शुरू किया गया है। और अभी देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि और अभी कितने घरों को और तोड़ा जाएगा। तो ये सब सिर्फ इसलिए है ताकि यहाँ पर जो हिंसा होगी या विरोध अगर होता है तो उस पर नियंत्रण किया जा सके, उसे रोका जा सके। नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं NCR समाचार। इस वक्त हम मौजूद है दक्षिणी दिल्ली के तुगलकाबाद गांव में और यहां पर आपको मेरे पीछे का नज़ारा मैं आपको दिखाऊं पहले कि ये वो सभी अवैध निर्माण है जिनको कि कल तोड़ा गया है और आज तोड़ा जा रहा है। तो लोगों से बातचीत करते हैं सीधे और जानते हैं कि आखिर क्या उन्हें नोटिस दिया गया था पहले, उनको क्या मतलब इसके तोड़ने के बाद जो उनकी स्थिति है वो क्या है, वो क्या चाहते हैं सरकार से, क्योंकि जिस तरीके से सभी के घरों को तोड़ दिया गया है, बताया जा रहा है कि करीब 1000 से भी ज़्यादा लोगों के घर अब तक टूट चुके हैं, तो अब वो क्या चाहते हैं? आप लोग मुझे ये बताइए, आप लोगों के घर पर ये कल चला है या आज चला है? हमारे घर पे कल चला है जनाब। अच्छा, ये कल चला है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है जहीरुद्दीन। कितने सालों से रह रहे थे यहाँ पे? यहाँ हम कम 25 सालों से रह रहे लगभग। अच्छा, तो सरकार का नोटिस पहले आ गया था आप लोगों के पास? हाँ, नोटिस तो आ गया था। हाँ, तो आप लोगों ने फिर क्या सोचा, फिर आप लोगों ने खाली नहीं किया यहाँ से? खाली नहीं किया इसलिए कि जाए तो जाए कहाँ, घर के हर एक सामान की बहुत बुरी स्थिति हो चुकी है और जिनके घर टूटे हैं वो काफी परेशान हैं। आप टैंक भी दे सकते हैं पानी का और यहाँ पे और भी लोग हमारे साथ हैं, आप लोग बताएं, आप लोगों के घरों पे भी बुलडोजर चल गया, अब आप लोगों ने आगे क्या सोचा, कितने सालों से यहाँ रह रहे थे? हम लोगों तो बहुत सा 20 साल हो गया हमें रहते हुए, हम लोगों ने घर पे बुलडोजर चला, ये सरकार की गलती है क्योंकि जब बन रही थी तब सरकार को रोकना चाहिए। पर अवैध जगह पर बनाना भी तो गलत है ना, तो जो बेचा उसको वो गलत है ना, जो बेचा वो गलत है, क्योंकि हमने तो बनाया, हमें रहने के आसरा चाहिए, हमें घर चाहिए। किससे खरीदा था आपने? हमें, हम तो नहीं खरीदे, हमारी बहन ने खरीदा है। यहाँ पे लोगों को देख के बहुत टेंशन हो रही है, बहुत रुलाई आ रही है क्योंकि कुछ लोग बिना खाए बैठ रहे हैं कल से, हमें बहुत टेंशन हो रही है। हम खुद घूम रहे हैं यहाँ पे कि हमें कुछ नहीं, सरकार बस हमारी जमीन दे दे कि हम लोग यहाँ पे चाहे झुग्गी डाल के रहे चाहे झोपड़ी डाल के रहे, लेकिन हम लोग यहाँ पे अपना मड़ई में ही रहेंगे। हमारा यही एक इच्छा है और सरकार से प्रार्थना भी है कि हमारी जमीन हमें दे दे, हमने पैसे खरीदा है। अभी तोड़ दिया गया फिर भी आप चाहती हैं कि आपको ये जमीन दे दी जाए और आप यहीं रहें? जी हाँ, हमने पैसे से यहाँ के जितने साल हम लोग थे 20 साल, 20 साल से हमने काम करके यहाँ खरीदा है। जो डीलरों ने जो खरीदा है
तो डीलर का घर तोड़ो ना, डीलर को पकड़ो ना, उनको भी खड़ा करो हमारे सामने। हम खड़े हो जाएंगे, हमारा टूट गया, हम सड़क में आए, हम बच्चों को गरीब तो माँ। आप लोगों ने खरीदा था तब आप लोगों ने इस बात की जांच पड़ताल का जमीन बोला गया है हमारा, ये बाप दादा हमारे पुरखों का, जो मुगल वगैरह जो चले गए, हमारे ये बाप दादा का जमीन है, हमारे बाप दादा गाय भैंस चढ़ाने आते थे, ये हमारी जमीन है। हाँ, तो हमें नहीं पता ना कि किले वाले का तो नहीं कह रहे, नहीं किले वाले का जो है किले वाले ने अपना घेर रखा है कि ये किले वाले का नहीं है, ये हमारा जमीन है। मतलब यही हुआ कि जब आप लोगों ने खरीदा तो कागजी जांच पड़ताल सही से नहीं हुई थी। नहीं जांच पड़ताल क्या, वो आके क्या नाम है यहाँ पे जो पुलिस वाले, उन्होंने भी बोला कि ये डीलरों की जमीन है, किले वाले डीलर वाले जमीन पैसे लेके गए, और क्या नाम है उसके हमारा किले वाले तो पैसे ले लेके बनवाया, आज कह रहे किले वाले तोड़ने के लिए, किले वाले ने एक एक जो 100 गज लिया उससे 1,00,000 रुपए लिया बनाने का, ये पुलिस सब पैसा खाया, पुलिस वाले 1 गज का 1,000 रुपए करके लिया तब बनाने दिया। ऐसे करो ना, उनको सरकार कहाँ थी तब, तब नहीं सरकार को दिख रहा था ये सरकार की जगह है, तो अब दिख रहा है, जब लोग सड़कों पर आ गए तब दिख रहा है सरकार को ये सरकार की जगह है, अब कहाँ गई सरकार, तब कहाँ गई थी, अब आ गई सरकार करेगा। लाला जी सब डीलर का ही चाचा है, रमेश बिदुरी का सारा रिश्तेदार है, आज रमेश बिदुरी कहाँ चला गया, वोट लेने तो गली गली में घूमते थे कि हमें वोट दो वोट दो, आज कहाँ गया रमेश बिदुरी का साला भतीजा चाचा, सब तो यही लोग हैं। अगर रमेश बिदुरी का यहाँ का नेता है, उन्हीं की आर पे तो सब बिका है, उन्हीं का तो रिश्तेदार ने बेचा है, उनको तो सब पता है। आपका कहना ये है कि रमेश विदुरी के रिश्तेदारों ने आप लोगों को ये जमीन बेची है? रमेश विदुरी के रिश्तेदार ने ही हमें बैठाया, वो लोग ही ने लिया है, बिल्कुल उन्हीं का। जब ये घर टूटे तो आप लोग गए थे सांसद के ऑफिस पर? सांसद कह रहे हैं हमने छोड़ लिया, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, रमेश विदुरी सब बोल रहे हैं अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, जब बेचने का टाइम नहीं बोले कि हमारे हाथ में नहीं है आप मत खरीदो, लोग कोठी में बर्तन धो धो के लोग ये कर रहे हैं। हाँ आप अरे सब गरीब आदमी है, रो रहा है, कलप रहा है, बर्तन धो दो, सब लेडीज बनवाई है घर द्वार, अब सरकार ऐसा करेगा तो गलत है ना, कितना लोग रो रहा है, रोवाई देकर सबको रोने आ रहा है। देखिए कि पीछे और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, और यहाँ पर जितने लोग हैं वो सभी पीड़ित हैं, सभी के घर टूटे हैं। आप मुझे ये बताइए क्या अवैध जगह पर घर बनाना ये सही था? अब जब आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि ये टूट गया, तो ये तो पहले से ही गलत है, जब इस अवैध जगह पर बनाया गया था तो नहीं सही तो नहीं था, मगर बात है यहाँ के डीलर लोग लालच दे के बेच लिए कि भाई ऐसा है कि थोड़े थोड़े पैसे आप लोग दो, गरीब आदमी यहाँ रह रहा है, गरीब आदमी के पास इतना पैसा कहाँ है जो वो जो है कई अच्छी चीज़ें खरीद ले, उसके पास तो ये है कि 50,000 रुपये दे दिया, 10,000 रुपये दे के अपना बना लिया कैसे न कैसे, कोई गरीब आदमी के पास इतना पैसा तो होता नहीं है, 2-4 लाख रुपया जमा करके अच्छी चीज़ लेता, यहाँ तो गरीब आदमी है सब। आप बताएं सर कि अभी और कि भीड़ मतलब अभी भीड़ नहीं, भीड़ नहीं लगा रहे हम, बात कर रहे हैं, आए हैं बात कर रहे हैं, आप मुझे ये बता दीजिए और कितने घरों पे बुलडोजर चल रहे हैं? अभी नहीं पता है, तो आप इनको हटा के रहे, हम बात कर से हटा रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, बात करने चलो आगे, चलो आगे, चलो चलिए आप आगे। कई बीजेपी के नेता ऐसे हैं जिनके घर अभी अवैध जगह पर है, उनके भी टूटेंगे क्या? बात कीजिए उनसे, बात बात ही तो कर रहे हैं, चलो चलो चलिए आप लोग, आप मुझे मैडम आप उनसे बात बात कर रहे हैं, आप इन्हें हटाइए, चलो जिप्सी वाला पुलिस वाला सब बुला के पैसा ले रहा है, घर बना रहे, जब तक घर बनाने नहीं दे रहा है, इसे करके जिप्सी वाला किला वाला सब फर्जने फर्जना के पैसा ले रहा है, हम लोग तो लाले भाई से लिए जमीन, हम लोग थाने वाले सब एक एक गज का 1,000 रुपए करके लेके तब बना के गया, बोला हम लोग इधर चले जाएंगे तब बना लेना, झूठ क्यों बोलते हैं ये लोग, पुलिस वाले सब मिले हुए, सब पुलिस वाले नेताजी सब मिले हुए, जब हम उजड़ के चले जाएंगे, जब हम गांव चले जाएंगे भिखारी की तरह, तब होगा हमारी सुनवाई, हमें कौन दे रहा है 1 रोटी, यहाँ किसी को किसी ने पूछा है, किसी ने कभी, इतने सारे सरकार लोग हैं, इतने सारे खड़े, कौन पूछा किसी गरीब को कि खाना दे दें, पानी दे दें, किसी
स्थिति मैं आपको दिखाऊँ, जो टूटा है उसके बाद की जो स्थिति है वो मैं आपको जरा दिखाना चाहूंगी। देखिए आप चारों तरफ लोगों में बहुत आक्रोश है, क्योंकि देखिए कि काफी सालों से यहाँ पर रह रहे थे और इस तरीके से जब घर टूटे हैं तो गुस्सा जाहिर सी बात है। और सरकार का ये कहना है कि ये सारे अवैध जगहों पर बने हुए थे और इनका ये कहना है कि जब ये हमने खरीदा था तब हमें क्यों नहीं बताया गया कि ये अवैध है। और मैं आपको आगे भी दिखाना चाहूंगी, आगे भी और भी लोग मौजूद हैं यहाँ पर और सभी पीड़ित हैं, सभी परेशान हैं और अभी की स्थिति कुछ ऐसी है कि सांसद भी इनकी मदद करने को तैयार नहीं है। उन्होंने भी हाथ जोड़ लिए कि हमसे कुछ नहीं होगा, आपको जो करना है खुद करें। तो यहाँ और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं, आए देखते हैं कि उनका क्या कहना है, क्या उन्हें भी गुस्सा है सांसद पर। आप लोग बताएं, आप लोगों का क्या कहना है? हमारा तो बहन लोगों का घर है, हम तो रहते हैं RZ की साइड पे, फिर काला के देख रहे हैं ऐसे तो सब तोड़ दिया है। उसके आगे कुछ हमें पता नहीं है, आगे पूछ लीजिए। चलिए कोई बात नहीं, आगे की स्थिति देखें आप। आपका भी घर था यहाँ पर? नहीं था मेरा, नहीं आपका नहीं था, ये आपका घर था, किराए पर? हम तो घर ही था। घर था, कितने लोग है घर में? बीवी बच्चे हैं, तीन लड़की है, बीवी है और मैं। आपको नोटिस दिया गया था पहले? जी नहीं, नोटिस तो दिया नहीं, लेकिन हाई कोर्ट ने तो ऑर्डर दिए थे कि सभी को नोटिस भेज दिए जाए और जितने भी अवैध घर है उन सभी को तोड़ दिया जाए। पता नहीं सर, मुझे इतना पता। सरकार से क्या चाहते हैं आप? बस हमें रहने का जगह दे दे, बहुत बड़ी बात है। लोगों को सामान निकालने तक का भी मौका नहीं दिया गया है और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उनकी कई चीज़ें ऐसे में ख़राब हो गई और लगातार सभी अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ भी मैं आपको दिखा दूं कि एक दो नहीं बल्कि कई बुलडोजर हैं यहाँ पर जो लगातार इन घरों को तोड़ने में लगे हुए हैं और जगह जगह आपको सिर्फ मलबा ही दिखेगा। जो भी रास्ते थे वो मलबे की वजह से ख़राब हो गए हैं, तो रास्ता अब कहीं बचा ही नहीं है। इतने घरों को तोड़ा गया है कि जगह जगह केवल घरों के टूटे हुए मलबे ही नज़र आ रहे हैं और अभी भी ये जो कार्य है वो लगातार जारी है और जितने भी अवैध निर्माण हैं उन सभी को तोड़ दिया जाएगा। कल भी हज़ारों घरों को तोड़ा गया था और आज फिर वो कार्य लगातार जारी है। आप देखें कि किस तरीके से यहाँ पर जो ये कार्य हो रहा है, आप देखें अंदर कुछ सामान भी नज़र आ रहा है और लगातार इसको तोड़ने का कार्य जो है वो जारी है और MCD का बुलडोज़र अब सारे घरों को तोड़कर ही मानेगा। जब से सारे घर टूट नहीं जाते तब तक ये बुलडोज़र शायद रोकेगा नहीं। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कितने ज़्यादा तादाद में लोग मौजूद हैं और सभी पीड़ित हैं और सभी परेशान हैं और कोशिश करते हैं और लोगों से बात करने की कि आखिर उनका क्या कहना है। किस स्थिति में अपने घरों को इस तरीके से टूटते देखना बहुत ही दर्दनाक होता है। आप लोग कब से रह रहे थे यहाँ पर? हम कुछ नहीं बोल सकते। कब से रह रही थी? क्या बोलेंगे, घर तो चला गया। आप लोग आके क्या कर रहे हो? चलिए कोई बात नहीं, मत बोलिए। हमारे पहले आ जाने से या बाद में आ जाने से या टाइम पर आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अवैध जगह पे घर बनवाएंगे तो वो टूटेगा। अवैध कैसे हुआ? आर्कियोलॉजी वालों ने पैसा लिया, पुलिस वालों ने पैसा लिया, अवैध कैसा हुआ? जब बनने दिया तभी तो बना है, जब बनने नहीं देता अब तो टूट गया। नेता लोगों ने भी पैसा खाया, पुलिस वाला पैसा खाया, सब ने पैसा किया, डीलरों ने भी पैसा खाया, डीलर को भी पैसे दिया हम लोगों ने। भाई फ्री में नहीं बैठे, मेहनत करके पैसा जोड़ के बैठे तो पता लगो तीजे फ्री में बैठा है। कितना पैसा लिया है ये लोग ने? पुलिस वाला सबसे गलती पुलिस वाला किला वाला को है। पैसा क्यों लिया? उनकी नाम पे पहले वो केस करना चाहिए था ना। सरकार क्या कर रहा है? अभी आप लोग गए थे सांसद के ऑफिस पर गए थे? हाँ। क्या हुआ फिर? बोले कोर्ट का ऑर्डर है, सब कोर्ट का ऑर्डर बोल के ही सब मुँह घुमा लिया हम लोगों से। सब बोले कोर्ट का ऑर्डर है। आप कब से रह रही थी? अरे 7 साल हो गया। 7 सालों से रह रही। हाँ तो 7 साल पहले जब बनाया तब बोल देती थी कि सरकारी जमीन है, टूटेगा अब मत बनाओ। हैं अभी मेरा वो घर हो तो टूटने वाला है, वो देखो घर तो टूटने वाला है, वही वाला घर है मेरा। वो जब लेंटर डाल के बनाया ना साइड वाला घर मेरा है, टूटने वाला है अभी। तो अभी आपने अपना सारा सामान वगैरह निकाल, सामान निकाल के वही रख दिया, सामान निकाल के बाहर? हाँ बाहर रख दिया। आप क्या करेंगे फिर? हम क्या करेंगे, यही बैठे रहेंगे। हाँ यहाँ बैठे रहेंगे। मलबे में कैसे रहेंगे आप? या किराए पे कहीं घर लेंगे या फिर इंतजार करेंगे? क्या कहा है पैसा किराए के लिए? अब तो कल से रोटी भी नहीं नसीब नहीं आ रहा है कल से। परिवार में कितने लोग हैं? 3 लोग हैं, मेरा हस्बैंड है, लड़का है, मैं हूँ, तीनों लोग। सरकार से क्या चाहती हैं? सरकार के और क्या चाहना है हमें? कुछ चाह सकता है अभी सरकार? नहीं तो क्या है ये सब?
हमारा सरकार नहीं तो किया ये सब, सरकार हमें टाइम देती ना, टाइम देती ना जो किराए पे चले जाओ, मत बनाओ इतनी। नोटिस तो पहले ही जारी हो गया ना। नोटिस का बात नहीं है, जब घर बनाया तब का बात कह रहे हैं, तब तो बोल सकती थी घर मत बनाओ, पैसा किसी को मत दो, कोई साइन बोर्ड टना देती, ना बेचती जमीन, किला वाला ना बेचती, पुलिस वाला पैसा ना लेती। ये सब गलती उनकी नहीं है, हम गरीब लोगों की गलती होता है सब। आप बताएं आप कब से रह रही थी यहाँ पर? मैं नहीं कुछ बताऊंगी। देखिए कि लोगों में इतना गुस्सा है, अब ये गुस्सा जो है वो सब पर निकल रहा है, सरकार का गुस्सा है, किला प्रशासन जो किला की व्यवस्था देख रहे थे और उनका गुस्सा है जो ये अब सब पर निकाल रहे हैं, क्योंकि इनके घर गए हैं, वो घर गए हैं जिनमें ये ना जाने कितने सालों से रह रहे थे, तो ये काफ़ी परेशान है क्योंकि इनको यही लगता है कि कहीं ना कहीं ये सब मिले हुए हैं, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो किला की व्यवस्था देखने वाले लोग हो, सभी कहीं ना कहीं आपस में हैं और उन्हीं सब ने मिलकर ये करवा दिया है। इनके बारे में किसी ने सोचा नहीं, इनको पहले बताया नहीं कि आखिर ये ज़मीन बिकाऊ है या नहीं है, या अवैध है या वैध है, इनको इस बात की कोई जानकारी नहीं दी गई और इस तरीके से इनके घर तोड़ गए दिए गए, तो इस वजह से ये लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। और मैं आपको एक बार फिर से दिखा दूँ कि देखें, ये वो लोग हैं जिनके घर टूट गए हैं और इधर घर लगातार तोड़े जा रहे हैं, जेसीबी ये लगातार ये बुलडोजर चलाया जा रहा है, लोग परेशान हैं, कुछ के घर अब टूटने वाले हैं, उनका दर्द समझ सकते हैं। बाहर आप देखें कि कैसे सारा का सारा सामान बाहर रखा हुआ है, लोगों के घर में खाना तक नहीं बन पाया है, लोग पानी पीने को भी तरस रहे हैं और ऐसे में इस मलबों में से अपना सामान वो चुन चुन कर निकाल के आपको मैं सामने ही दिखा दूँ। ज़रा आप सामने देखें कि मलबे के नीचे कूलर दबा हुआ है, तो मलबे के नीचे नीचे उनके सामान है, कई लोगों के सामान बाहर निकल गए हैं, कई के अंदर ही रह गए और अब बहुत मुश्किल हो रहा है उनके लिए उन सामानों को बाहर निकालना। और लोग इतने ज़्यादा गुस्साए हुए हैं कि अब वो किसी से ना बात करना चाहते हैं, ना किसी से कोई सवाल करना चाहते हैं, ना किसी के सवालों का जवाब देना चाहते हैं। खैर, तुगलकाबाद गांव में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, दक्षिण दिल्ली के तुगलकाबाद गांव में, और यहां पर देखें कि चारों तरफ बुलडोज़र ने सभी घरों को तोड़ दिया है लगातार। कल रात भी बारिश हुई थी और दिन में काफ़ी धूप भी थी और आज सुबह से ही लगातार मौसम ख़राब हो रहा था और उसके बाद ये मूसलाधार बारिश यहाँ पर हो रही है और स्थिति आप देख सकते हैं। और ऐसे में देखिए सामने ज़रा कि लोग किस तरीके से अपने सिर पर बोरी रखकर सर को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको मैं दिखा दूं कि सामने ये देखें लोग किस तरीके से खुद को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, इनके सिर से छत हट चुका है और इतनी बारिश में छोटे छोटे बच्चे, बड़े बुज़ुर्ग सभी परेशान हैं और सभी किसी भी तरह से खुद को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। और अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी किसी तरह की घोषणा नहीं हुई, कोई भी इनको चीज़ मुहैया नहीं कराई गई, इनके सिर से छत हट गई और ये लोग अब भीगने को मजबूर हैं, बच्चे भीगने को मजबूर हैं, ऐसे में ही ये लोग बीमार पड़ेंगे, परेशान होंगे। और अब तो ऐसी स्थिति है कि ना सिर पर छत है, ना बीमारी के लिए पैसे हैं, ना घर का कोई सामान बचा है, ना खाने को कुछ है, तो कुछ इस स्थिति में पहुँच चुके हैं तुगलकाबाद गाँव के सभी लोग। और सरकार की तरफ से अब तक चाहे वो विधायक हो सहीराम पहलवान या विदुरी रमेश विदुरी जी हो सांसद, किसी की तरफ से कोई भी बयानबाजी नहीं हुई है, कोई भी इनको मिलने नहीं आया, कोई भी देखने नहीं आया। जाहिर सी बात है जब इलेक्शन आते हैं तो सभी इनसे पूछने आते हैं, इनका हालचाल जानने आते हैं, इनकी स्थिति देखने आते हैं, इनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्योंकि उन्हें वोट चाहिए होता है, जनता यही कहती है कि उन्हें वोट चाहिए होता है, तो उस वक्त ये हमसे सारी चीज़ें पूछते हैं। और जब हमें ज़रूरत है अब तो कोई पूछने के लिए नहीं आ रहा है। और इनके राशन कार्ड है, बिजली बिल है, इनके मकान के कागज़ है, इनके वोटर आईडी कार्ड है, इनका आधार कार्ड है, हर एक प्रूफ है इनके पास कि ये यहाँ के निवासी हैं। तो जाहिर सी बात है सवाल यही उठता है कि आखिर ये सारे कागज़ बने कैसे, जब तक सरकार ने परमिशन नहीं दी, चाहे वो विधायक हो सांसद, उन्होंने परमिशन नहीं दी, इनके कागज़ बने कैसे, और कागज़ बने तो फिर इनके घरों को तोड़ कैसे दिया गया। और जब ये लोग यहाँ रह रहे हैं इतने सालों से, इनको उसी वक्त रोकना चाहिए था, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो निगम पार्षद हो, चाहे वो विदुरी जी हो, इनको उसी वक्त रोक देना चाहिए था जब ये लोग यहाँ पर अपना घर बना रहे थे। जब उस वक्त नहीं रोका गया तो फिर अब इनके घरों को इस तरीके से तोड़ने के बाद इनको इस स्थिति में पहुँचाने का क्या फ़ायदा, क्या मतलब बनता है इनको इस स्थिति में पहुँचाने का। खैर, देखते हैं सरकार की तरफ से और क्या होता है इनके लिए, क्या चीज़ें मुहैया होती है, क्या कहा जाता है, आपको लगातार इस बारे में अपडेट करते रहेंगे। इनकी उम्मीदें बस अब इतनी है कि इनको इनकी ज़मीनें वापस कर दी जाए, तो देखते हैं कि सरकार आखिर इस मामले में क्या करती है, क्या इनको कोई हर्जाना मिलता है या नहीं मिलता है, और आखिर ये लोग फिर कहाँ जाते हैं, आपको लगातार अपडेट करते रहे। तब तक देखते रहे NCR समाचार के कैमरामैन सिराज के साथ, मैं नमिता चौहान।